नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाडूंगी क्षेत्र से दूर होगी सिंचाई की समस्या। हमेशा से सिंचाई की समस्या से परेशान हो रहे कालाडूंगी क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यहां बहुत जल्द बोर नदी हेड पर डायवर्जन हेडवर्क होने जा रहा है, जिसके लिए सिंचाई उपखंड कालाडूंगी के द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बताते चले, कालाडूंगी बोर नदी में आने वाले स्रोत के पानी को अंग्रेजी शासन के समय से ही सिंचाई कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। कालाडूंगी में 13 किलोमीटर के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, लेकिन बरसात के दिनों और अन्य कारणों से बोर में बना तटबंध टूट जाने से क्षेत्र में सिंचाई की समस्या पैदा हो जाती है। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की समस्या से निजात मिल सकती है। वहाँ कालाडूंगी विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि बहुत जल्द ही ये कार्य शुरू हो जाएगा और सिंचाई की समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी। तो वहीं सिंचाई विभाग के SDO UC उप्रेती बताते हैं कि मंत्री भगत के निर्देशानुसार बोर नदी हेड पर डायवर्जन हेड वर्क के लिए सरकार को आकलन रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आना है। कालाडूंगी संवाददाता जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। जो यहाँ की जो नहर है उसके सिरे में बनना है। अब मैं समझता हूँ यहाँ से चकलुआ तक 7 ग्राम सभाएं और 7 ग्राम सभाएं इससे लाभान्वित होंगे। यानी चकलुआ तक का क्षेत्र सिंचाई के क्षेत्र में होगा। पानी गर्मियों में कम हो जाता है और ये पानी रेते में चले जाता है, तो वो पानी रुक जाएगा और पानी की कभी कमी नहीं रहेगी। और उसके साथ ही यहाँ पर एक पर्यटक स्थल भी विकसित होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिसंबर तक हम इसको करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरा एस्टिमेट आज लगभग आज या कल में इसको शासन को भेज दिया जाएगा। इस पर लगभग लगभग 3-3.5 करोड़ खर्चे आने की संभावना हो रही है। किस काश्तकारों को लगातार पानी मिलेगा। जो बरसात में हटबंदा बार बार बह जाता है, हटबंदे को हम लगातार सुचारू रूप से पानी नहीं चला पा रहे हैं, तो उससे वो सुचारू रूप से काश्तकारों को पानी मिल पाएगा और काश्तकारों के जीवन जो है आपका उनको लोग ये जब मंत्री जी के निर्देशानुसार जब से उनने कहा है तब से त्वरित कार्रवाई चल रही है। इसे विभाग पूरा तत्पर लगा है इसमें।